तैयार होना भेला। हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तिमनासा। राजा, आप क्या आप पे ही रख के खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मवृक्ष बाहर निकल के आएगा क्या? सब मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तिमनासा की योजना का एक हिस्सा। पार्टी के दौरान तिमनासा किसी न किसी बहाने से उस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा, वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियाँ तिमनासा को मिल जाएगी। यानी वो सपोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो बैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए, लीजिए। ए मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला के आप सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इंपोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर, 1000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हैवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी, ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ए, सॉलिड आइडिया है वो। ए, मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ। वो क्या है ना, 1000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है ना? बराबर दिवाड़ी, बराबर। हाँ। घर पे ले जाएंगे। हाँ। बालवीर, शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो। ओ हेलो, तुम पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हूँ ना मैं। हा? यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the hell? पानी। मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू कै को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। I just hope उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है? ना खाना है ना डांस है, और ऊपर से BNMC का पानी बॉटल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं नहीं, क्या? अरे बताओ। यह नहीं, अभी मेन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं, शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। नानी, मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था कि तिमनासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिमनासा फिर से रूप बदलकर
यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देबू हूँ। डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। विवान, हाँ क्या हुआ? चलना रिंकू को दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं आज नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार, हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहाँ गायब हो गई तिमनासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तिमनासा की तरफ करना होगा, किसी भी तरह। अरे ओ हेरो, हेलो। नो व्हाट? ओ नो, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई हो। हाँ वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया। लेट रिएक्शन, यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ। हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज, तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे असिस्टेंट बनके। चलो फॉलो। असिस्टेंट मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि तीन पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तिमनासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही। रानी, आपने मुझे याद किया? जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। महाराजा, ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब रानी उनकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया, एकदम समझ गया। अभी जाकर संदेशा देता हूँ महाराजा को। तो डॉक्टर सालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे चहल पहल, वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी, या फीलिंग रियली ग्रेट। और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला। थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अरे आइए आप सब लोग बैठिए प्लीज। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ, तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या, शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तिमनासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडीनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडीनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है, और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ हाँ रिंकू, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना बहुत पक्का, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है ने? बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं नहीं अनन्या दीदी, आई एम ओके,
प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं नहीं विवान, इस मैजिक को वो ही बच्चा कर सकता है जिसके नाम वी से स्टार्ट होता हो। जैसे वी से विवान, तो आ जाओ। कम ऑन विवान, मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? ये तिमनासा क्या करवाने वाली है चिंटू से? तो अब इस कप को तुम इस बॉक्स में डालो। ओके, तो अब इस कप को मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? हाँ। आबरा कडाबरा गिली गिली छू। तो अब ये कप एक कबूतर में बदल। कोई बात नहीं गाइस, कब कबूतर में बदले या सॉक्स में, हुआ तो मैजिक ही ना। विवान को अब एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक। अरे छोड़ भैया, विवान, अरे मुझे आँख में कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। क्या हुआ दीपू भैया? कचरा लग गया, देखो ना। एक मिनट। अब विवान को चश्मे में तिमनासा का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखो कुछ गया क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या? दीपू भैया, आपके आंखों में कचरा नहीं है बल्कि आपके चश्मे के ग्लास में कचरा। एक मिनट। अरे एक मिनट लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। चलो लाओ, अब वो मेडिसिन मुझे दे दो ताकि मैं विवान और उसकी पलटन का पेट खराब कर सकूं। दो। देखो, तुम्हारे कंजूस पेरेंट्स ने यहाँ गेस्ट को सिर्फ पानी सर्व किया है, और अगर पानी में ये मेडिसिन हमने मिला दिया तो सबको पता चल जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। देवू की आंखें अभी क्लीन है, तो नेक्स्ट क्या सीन है? कंटिन्यू। तो अब मैं अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? विवान को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा, आखिर बात क्या है? विवान का ध्यान तिमनासा की तरफ कैसे ले जाऊं? आबरा कडाबरा गिली गिली। व्हाट एन आईडिया देवू। अब मेरे पास बिग मैजिक ट्रिक है। मेरा मैजिक शो हिट हो गया तो तुम लाइमलाइट में आ गए। चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कबूतर बना दूंगी। थैंक यू अनन्या। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अनन्या जी एक कप में से कबूतर नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है। मैं अनन्या को यहाँ से गायब कर सकता हूँ, और वो भी इस लाल कपड़े की मदद से। तो आइए मैडम जी। और विवान, तुम वहां जाके खड़े हो, यहाँ से देखना। हाँ, तो रेडी। अब तो अब मैं एक मंत्र बोलूंगा और अनन्या जी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके, हुड़हुड़ फुड़फुड़ पानी में बुड़बुड़, अनन्या हो जाए फुर। अब अनन्या जी गायब हो जाएगी। अनन्या हो जाए फुर। क्या देवू? अगर ये मेडिसिन पानी में नहीं मिक्स हो सकती तो फिर मैं इसे मिक्स करूं किसमें? जूस। तुम्हें अपने गेस्ट को जूस सर्व करना होगा, तभी हम ये मेडिसिन मिक्स कर पाएंगे। घर में जूस तो है, लेकिन अगर बिना परमिशन के सर्व किया तो पापा डांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पापा की डांट से इतना ही डर लगता है तो मान लो विवान से हार। नहीं नहीं नहीं, विवान से जीतने के लिए तो मैं अपने पापा के पापा से भी डांट खा सकता हूँ। देखा, तुम्हारी मैजिक ट्रिक से भी विवान नहीं हंसा। कोई बात नहीं, अब स्लैपस्टिक कॉमेडी करनी पड़ेगी, करते हैं। आप तो देखा सबने कि अनन्या जी का मूड नहीं है गायब होने का, इसलिए वो यहाँ से गायब नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मूड है गायब होने का। अच्छा, अब ये गायब होगा, इसलिए अनन्या जी अब मुझे गायब करेगी। ये लीजिए। अरे
अरे मंत्र तो बोलिए, फुर 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 देवू हो जाए, फुर 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 पानी में बुड़ 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 फुर फुर। अरे देवू भैया, वो क्या चकनाचूर देवू भैया, ये आप क्या कर रहे थे? तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था विवान। देवू भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन दुख रहा है। एक मिनट देखो तो, देखो मिरर में कुछ दिख रहा है क्या? देखो देखो ना, देखो 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 है, देखो भैया कहाँ दुख रहा है? चलो लाओ वो मेडिसिन मुझे दो। शाबाश, ये हुई ना बात। ये लो। यस, फाइनली देख लिया विवान ने तमन्नासा को। नहीं, पीछे के दरवाजे जाता हूं। नहीं लगा है। अरे सुनो सुनो सुनो, एक घर मिश्रा अंकल का है पार्टी, हमें चिंटू दे रहा है और कामिनी आंटी ने हम सबको टॉनिक वाटर पिलाया है ना, तो फिर मैजिक किसे दिखाना चाहिए? मिश्रा अंकल और आंटी करेक्ट ड्रिंक को। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता भाई। नहीं आता? अरे तो डांस ही करके दिखा दीजिए। हाँ डांस कर लीजिए। अरे आई है आंटी, अरे कहाँ फंसा दिया विवान ने? इम्मी आंटी यहाँ रूप बदल कर आई है, इसका मतलब उनका जरूर कोई एवल प्लान है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ उन्हें ढूंढने, लेकिन अगर तिमनासा यहाँ अपना रूप बदल के आई है तो हम उसे ढूंढने के कैसे? उसे ढूंढने के लिए हमें मिरर की जरूरत है। मिरर? हाँ ये लो, मिरर में तुम्हें तिमनासा असली रूप में दिखेगी। पर तुम कैसे ढूंढोगे? मैं बेडरूम से मिरर ले लूंगा। अब जाओ जल्दी। मेरा प्यार, तुम बड़ा काम होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन शायद कोई छोटा मोटा काम हो इसलिए भैरानी ने आपको याद किया। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद ही विवान के सामने आ जाऊंगी, बस उससे पहले चिंटू अपना काम कर ले, तब तक मुझे विवान को भटकाना होगा। अच्छा वो यहाँ पे वो गोपू नहीं है, नहीं तो उसके लिए एक और ग्लास भरना पड़ता। ये ग्लास उस विवान का, ये ग्लास खुशी का, ये ग्लास उस रिंकू का और ये ग्लास देवो भैया का। अब नेक्स्ट 10 डेज तक तुम सब लोग रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे। ये क्या, पता नहीं तिमनासा ने चिंटू को क्या दे दिया है। मैं ये जूस किसी को भी पीने नहीं दे सकता। अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी तरह ये बच्चा बनने के लिए बुलाया है तो ध्यान से सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब तुम काल लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारा दावा झूठा है। खैर मैंने तुम्हें यहाँ वही काम करने के लिए बुलाया है जिसके तुम लायक हो।
कैसा काम? काम को अंजाम देने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत निगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या आखिर टिम्मियाटी है कहां। अब होगा फाइनल बैटल।